चलेगी मतलब कोई रिएक्ट करेगा आपको एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस ऐसे चाहिए जो रिएक्ट करेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट यू विल बी गेटिंग न्यू सब्सटेंसेस और मे बी सिंगुलर और प्लूरल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज राइट तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी जैसे कि मिल्क ले लो राइट right? अब मिल्क का क्या है वो कर्ड में कन्वर्ट होगा यू हीट इट राइट उसमें थोड़ा पहले से कोई बना हुआ कट डाल दो तो पूरा कट बन जाएगा तो वॉट इज द रिएक्टेंट हेयर दैट इज द मिल्क एंड वॉट इज द प्रोडक्ट दैट इज द कर्ड अब दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है राइट वी कैन नॉट यूज कर्ड एज द मिल्क एवर राइट सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज राइट पहले जो प्रॉपर्टी थी जो सब्सटेंस की वो चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट्स में राइट सो लेट्स जस्ट सी अ बेसिक आइडिया राइट लेट्स टॉक अबाउट सोडियम एंड chlorine right when sodium and chlorine combine they make what sodium is na chlorine is cl so nacl we are going to get this salt right simple ab sodium ki property aisi hai ki when it comes into contact with a uh, water and oxygen to wo bahut zyada violently react karta hai right it start burning as well but nacl dekhna sodium chloride. कभी भी आप water में डालो तो क्या वो आग थोड़ी लगती है right? so, मतलब sodium की जो property पहले थी आफ्टर रिएक्टिंग विद क्लोरिन वो प्रॉपर्टी कम्प्लीटली चेंज हो गई राइट सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन एंड इन दिस केस सोडियम एंड क्लोरीन आर कॉल वॉट रिएक्टेंट्स क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है एन एस सी एल सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड वॉट प्रोडक्ट्स सो समझो कि मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट इज वर्ड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेरी सिंपल एंड वॉट यू आर गेटिंग एट दी एंड ऑफ इट दैट इज द प्रोडक्ट और याद रखो प्रॉपर्टीज चेंज होती है ये सोडियम का एग्जाम्पल याद रखो वाटर के साथ वेरी वायलेंटली रिएक्ट करता है यू विल बी स्टडिंग इन दी एसिड बेसिस एज वेल एंड द मेटल एंड नॉन मेटल एज वेल बट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इट इज नॉट रिएक्टिंग विद द वाटर राइट सो इट हैपेंस विद द केमिकल चेंजेस नाउ हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड देर आर थ्री फोर फैक्टर्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन स्टेट अगर स्टेट चेंज हो रहा है जैसे लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है कोई गैस हो रहा है कोई भी हो रहा है राइट इट कैन हैपन सो वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ हैपन राइट दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन और मे बी इवॉल्यूशन ऑफ़ गैस कोई जगह से गैस रिलीज हो रही हो राइट right? लिक्विड में से कहीं से भी सो इट इज़ एन आइडिया कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है कुछ स्मेल आती हो दैट कुड बी दी एग्जाम्पल एज वेल राइट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अब प्रेसिपिटेट क्या है प्रेसिपिटेट मतलब क्या कि यू मिक्स टू लिक्विड्स एंड एट दी एंड ऑफ इट आपको बॉटम में बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स मिले क्रिस्टल्स या फिर सॉलिड ग्रैन्यूल्स कुछ भी मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट याद रखना राइट right? तो इसका रीजन क्या है कि दोनों के बीच कुछ रिएक्शन हुई है एंड दिस इज द प्रोडक्ट राइट सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स चेंज ऑफ कलर अगर कलर चेंज हो रहा है ब्लू का वाइट हो रहा है तो समझो कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें राइट देन वी हैव द फाइनली चेंज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा हो इट मीन्स डेट केमिकल रिएक्शन हैज़ हेपन सो वॉट आर दी फाइव फैक्टर्स डेट मीन इट टू कीप इन माइंड मे बी चेंज इन स्टेट इवॉल्यूशन ऑफ गैस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट राइट फिर चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर सो दीज आर दी इंडिकेटर्स इससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है राइट सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द केमिकल रिएक्शंस याद रखो उसमें क्या होता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्ट करके कोई सब्सटेंस बनाते हैं दैट वी कॉल एज द प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट होती है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से एंड दिस आर फाइव फैक्टर्स डेट नीड टू कीप इन माइंड टू आइडेंटिफाई दैट केमिकल चेंजेस एपन एंड वी टर्म इट एज दॉट केमिकल

Right, so let's start with the topic of the chemical equations. Let's see the definition very basic idea symbolic representation of a chemical reaction, right? We are using the symbols over here grade 9. You learn already in the grade 8 as well key. There are many elements. We represent with the alphabet. Just like sodium for Na, oxygen for O, hydrogen for H, right? These all are the symbolic representation. राइट वी आर नॉट राइटिंग ऑक्सीजन कंप्लीटली बट वी राइट ओनली ओटो सो हमें समझ आ जाता है कि दैट इज ऑक्सीजन ओनली सो वी आर गोइंग टू यूज दोज नॉलेज ओवर हियर टू राइट द केमिकल इक्वेशन राइट सी सिंबल एंड फार्मुले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मुला फॉर वॉट एवर वी हैव फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एग्जाम्पल दैट वी आर डिस्कसिंग राइट सोडियम एंड क्लोरिन मेक वॉट Sodium chloride. So now see sodium and chlorine, right? These are the reactants plus curica because they are going to react. That's why. And this arrow and this is the product sodium chloride. So, in the form of words, first of all, we are writing in the form of words: sodium liya, chlorine, liya, mila, sodium chloride mila. Very simple. Now let's understand how we write this technically. राइट कंबाइन एंड प्रोड्यूस सोडियम क्लोरिन सोडियम एंड क्लोरीन गोइंग टू गिव यू व्हाट सोडियम क्लोराइड नाउ सी देर आर फ्यू काउ्स दैट वी नीड टू रिमेंबर रिएक्टेंट्स सोडियम एंड क्लोरिन आर व्हाट रिएक्टेंट्स अब ये एरो क्या है एरो इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन होगी शायद ऐसे होगी शायद ऐसे भी हो सकती है राइट सो दिस इज ऑल इट्स अबाउट ये डायरेक्शन दिखा कि ये दोनों मिलकर ये बनाने वाले हैं राइट ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे This is the direction is about. And finally, what do we call sodium chloride? That is the product or products. Depends on the many uh, products you have at the end of it. Right? So, reactants, you have direction of reaction and you have the products. Now, afterwards, what do we do? Sodium ke liye symbol concept. Sodium ke liye hai, I believe that is na chlorine ke liye hai Cl2. एंड एन एस सोडियम क्लोराइड दैट इज फॉर एन ए सी एल नाउ सी दिस इज जस्ट अ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस इन दी एग्जाम बट ये समझने के लिए है सोडियम एन ए सी एल टू मतलब उसके दो मॉलिक्यूल है और आपको क्या मिल रहा है एन ए सी एल दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट सो दिस इज अबाउट द केमिकल इक्वेशन याद रखो रिएक्टन्स ले लो एक्साइड फिर डायरेक्शन दिखाओ एंड फाइनली यू हैव द प्रोडक्ट्स नाउ after writing into the word form you just use the symbols right sodium ke liye or na chlorine ke liye, cl2 sodium chloride ke liye, NaCl now this equation very interesting over here you have this sodium right molecule only one molecule you just count the molecules sodium ka ek hai before the reaction and sodium ka yaha kitna hai ek hi hai chlorine there are two and there is only one right so there is some problem in this equation now, what is the problem in this equation that we are going to discuss in the next topic that is balancing of the equation?